प्रश्नों को देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। छठा प्रश्न है, इसमें निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। फसल और राज्य के नाम दिए गए हैं, इसमें आपको बतलाना है कौन सा फसल उस राज्य का पालक राज्य नहीं है, ऐसा प्रश्न में पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है गन्ना का उत्तर प्रदेश, चावल का तमिलनाडु, चाय का असम, कॉफी का कर्नाटक। तो आप सभी जान ही रहे हैं इस फसल का उत्पादक राज्य कौन कौन सा है। तो इसमें चावल है, ये आंसर मैच नहीं हो रहा है, सुमेलित नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर होगा चावल तमिलनाडु। तो हम जानते हैं सातवें प्रश्न को, भारत में किस प्रकार की मिट्टी को कपास की मिट्टी के नाम से जाना जाता है, था? किस मिट्टी को काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, या कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। इसका ऑप्शन दिए हुए हैं, जलोढ़, लैटेराइट, तीसरा काली, चौथा लाल। तो इसका आंसर होगा काली। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए अच्छी मानी जाती है। जानते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत में किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, जूट, कपास, रबर और नारियल। इसका आंसर होगा जूट। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। जो अब हम जानते हैं अगले प्रश्न को, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन है मछली उत्पादन, दूसरा चावल और गेहूं उत्पादन, तीसरा सरसों उत्पादन, चौथा दूध उत्पादन। पहला जो ऑप्शन है मछली उत्पादन, इसको हम नीली क्रांति के नाम से जानते हैं, है ना? और दूसरा है चावल और गेहूं उत्पादन, इसको हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। सरसों उत्पादन को नीली क्रांति के नाम से जानते हैं और दूध उत्पादन को हम लोग श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। इसका आंसर होगा आंसर डी, दूध उत्पादन को श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। आइए बच्चों, अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन सा अग्रणी रबड़ उत्पादक राज्य है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल और असम। यानी प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में कौन सा राज्य पहला स्थान रखता है। इसका आंसर होगा केरल। बच्चों आज हमने अध्याय किसी से इस बहुविकल्पी प्रश्नों मल्टीपल चॉइस प्रश्नों को हल किया। आप इनको याद करें और ये एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो।